नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल जिप्सी भारत पे। तो आज मैं आपको हैवी रिक्वेस्ट और हैवी डिमांड के ऊपर जो है अपनी कैंपर वैन, कैरावान, आरवी, मोटर होम, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, इसका आपको मैं एक वॉक थ्रू करवाऊंगा। तो आज मेरे पीछे जो है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमारी आरवी जो है, मोटर होम जो है, वो खड़ी है। और आइए अब मैं आपको एक एक करके इसके सारे फीचर्स जो है, जो हमने इसमें बनवाए हैं, वो सारे फीचर्स जो हैं आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले हम इसके बाहर के फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर के फीचर्स देखने जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो बाहर है, हमने एक, दो और तीन जो स्टोरेज स्पेस है, ये सबसे पीछे है यहाँ पे, ये तीन स्टोरेज स्पेस जो है हमने यूज़ किए हैं तीन डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो जो सबसे आगे वाला जो स्टोरेज स्पेस है, अगर इसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, तो इसके अंदर जो है पूरा जो है विक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 360 AH की एक हमने बैटरी लगाई है, और बाकी जो है अंदर पूरा इसके जो है विक्ट्रॉन का पूरा सिस्टम जो है वो लगा हुआ है और काम कर रहा है। नेक्स्ट जो टैंक है, स्टोरेज बॉक्स है नीचे, वो जो है सेकंड वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने एक गैस सिलेंडर रखा है 5 kg का, और ये हमारा 50 L ड्रिंकिंग वाटर टैंक है। और लास्ट जो पीछे का, सबसे पीछे का जो ये स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज बॉक्स है, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं हमने मेंस का जो है एक हमने वो सॉकेट लगाया हुआ है। इसके अंदर गीजर है और साथ में बाकी पाइप और वायरिंग वगैरह हम इसके अंदर जो है रोल करके रखते हैं। सिमिलरली जो गाड़ी की राइट साइड है, उसमें जो सबसे पीछे वाला जो स्टोरेज बॉक्स है, इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे 2 kVA का एक जनरेटर जो है हमने वो इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा पूरी खुली स्पेस है पीछे, जो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके आगे वाला है स्टोरेज बॉक्स, यहाँ पे ये अभी खाली है। इसके अंदर हम कुछ भी सामान जो है गाड़ी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैंपिंग से रिलेटेड हम रख सकते हैं। तो आइए अभी आपको मैं एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो हमने इस गाड़ी में स्पेशली थोड़ा सा रिसर्च करके बनाई है। यहाँ पे आपको एक ये लॉक सिस्टम दिख रहा है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो पूरा बाहर निकल आता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे इमरजेंसी डोर जो है गाड़ी का, जो कि बेडरूम में खुलता है, उससे कनेक्टेड है, आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। इसके नीचे दो लेग्स भी हैं जो नीचे मतलब सपोर्ट के लिए आ जाती हैं, और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सी छोटा सा गार्डन टेरेस कह लीजिए, वो हमने इस गाड़ी में बनाया है। और ये सीधा अंदर चले जाता है और लॉक हो जाता है, और ये लॉक हो गया। तो ये एक USP है इस गाड़ी में, यूनिक चीज़ है जो हमने इस गाड़ी में बनाई है रिसर्च करके।
बाकी इस गाड़ी के जो दूसरे अन्य फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इसमें हमने नीचे की तरफ वहाँ पे जो है इसका फ्रेश वाटर टैंक लगाया है जिसकी कैपेसिटी 280 लीटर्स है। उसके अलावा जो है इसमें दो दूसरे टैंक्स हैं, अन्य टैंक हैं, यानी कि एक ब्लैक टैंक है और एक ग्रे टैंक है। तो ब्लैक टैंक के अंदर जो है वो आपका जितना भी सीवेज वाला यूज्ड पानी है वो आ जाता है, और ग्रे टैंक के अंदर जो है वो आपका जो नहाने का पानी या किचन के सिंक का पानी है वो सारा जो है आपके ग्रे टैंक के अंदर इकट्ठा होता रहता है। इन दोनों की भी कैपेसिटी जो है 100-100 लीटर्स है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है गाड़ी के सारे बाहर के फीचर्स आपने देखे हैं, तो आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको गाड़ी अंदर से दिखाते हैं। तो गाड़ी के अंदर घुसते ही आपको तीन स्टेप मिलते हैं, और तीन स्टेप्स के बाद जो है आप सीधा जो है कॉकपिट एरिया में आते हैं, जो आपका मेन कैप्टन सीट है यहाँ पे, जो ड्राइविंग के लिए यूज़ होती है। और आइए अब आपको मैं पहले इस एरिया से वाकिफ़ कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या हमने बनाया है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस का जो विंडस्क्रीन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो अभी हमने इसको ढक के रखा हुआ है। तो इसको ढकने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, ये अगर आप देखेंगे मैंने एक सिंपल वेलक्रो लगा दिया था, ये वेलक्रो लगाया हुआ है जिससे कि पूरी विंडस्क्रीन जो है हम आगे से पूरी ढक के रख सकते हैं। तो ये वेलक्रो पे चिपक जाती है और ये यहाँ पे फिक्स रहती है। इसके अलावा आइए अब आपको मैं कॉकपिट में दिखाता हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या मॉनिटर्स हैं मेरे पास इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। तो ये मैं जैसे बैठता हूँ अपनी सीट के ऊपर, मैं आराम से यहाँ से आ सकता हूँ और ऐसे बैठ जाता हूँ। तो गाड़ी का स्विच ऑन करते ही जो है मेरे पास जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबसे पहले मेरा ये 4 कैमरा DVR है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे को चेंज करूँगा तो ये मेरे को लेफ़्ट साइड का पूरा कैमरा दिखा रहा है, ये राइट साइड का पूरा कैमरा है, ये मेरा रियर कैमरा है और ये मेरा फ्रंट कैमरा है। तो इनको मैं चारों को एक मोड पे भी लेके चलता हूँ, तो जब चलता हूँ तो लेफ़्ट राइट मेरे ऊपर आते हैं, रियर मेरे इधर आता है, फ्रंट मेरे इधर आता है। ये गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट पैनल डिस्प्ले पैनल है, यहाँ पर मैंने एक मोबाइल होल्डर लगाया है, यहाँ पर सारे स्विचेज़ हैं गाड़ी के। ये गाड़ी का AC है, जो मैं ऑन करता हूँ तो आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। ये इंजन से चलने वाला AC है, ये इसका AC का कंट्रोल मैकेनिज़्म है पूरा। यहाँ पे हमने एक अपना जो ब्रूट फोर्स का रेडियो आता है गाड़ी का व्हीकल माउंटेड, वो फिक्स किया है। ये उसका रिसीवर कम ट्रांसमीटर है जो मैंने यहाँ पे फिक्स किया है। मेरे पास यहाँ पे एक सिगरेट लाइटर है, जो मैं 12 वोल्ट की लाइट ले सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये मेरा जो है आप देख सकते हैं अभी इसकी लाइट ऑन होगी, अभी स्विचेस मेरे को, हाँ ये लाइट ऑन हो गई। ये मेरा जो है म्यूज़िक सिस्टम है गाड़ी का, ये एक हैंडहेल्ड रेडियो हमने रखा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए इसके बेस स्टेशन के साथ, ये उसमें काम आता है। तो ये आमतौर पे नॉर्मल चीज़ें हैं। ये मैंने एक साथ में अपनी पानी पीने की बोतल के लिए एक बोतल होल्डर, और यहाँ पे मैंने एक कप होल्डर लगाया हुआ है कि चलते चलते अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीनी हो या जूस पीना हो तो उसके लिए। और यहाँ पे भी 2 प्लग पॉइंट्स हैं मेरे पास, और इसमें भी एक मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो है गाड़ी के जो ड्राइविंग कंफर्ट वाली चीज़ें हैं। बाकी मेरी सीट जो है वो पूरी आगे पीछे होती है, और सीट पे मेरे पास आर्मरेस्ट भी है, और साथ में इसमें सीट बेल्ट लगी हुई है। तो ये है गाड़ी की मेन कॉकपिट। तो आइए अभी बात करते हैं को ड्राइवर सीट की, जो
अपने ड्राइवर सीट के साइड पे लगाई हुई है। तो ये वो को ड्राइवर सीट है विच इज बेसिकली अ रिक्लाइनर। ये हमने इस पे सबसे पहली चीज जो है एक हमने स्विच लगा दिया यहाँ पीछे की तरफ छुपा के, ताकि ये रुद्रा जो है इसको बार बार ऑन ऑफ करता रहता है, आगे पीछे करता रहता है, तो वो है। अदरवाइज ये सीट में आगे होने की ये फैसिलिटी है, मोटराइज्ड है, आगे हो जाती है। बैक रेस्ट जितना आप पीछे ले जाना चाहें इसका बैक रेस्ट पीछे हो जाता है, और इसके अंदर जो है काफ रेस्ट भी दिया हुआ है, जो कि अगर आप देखें अभी ये उठना शुरू हो गया है, और ये उठते उठते जो है आराम से आप इसको जितना मर्जी आप ऊपर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी लेग्स जो है अभी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, तो ये ऊपर हो जाता है, पीछे की तरफ रिलैक्स हो जाता है, और ये एक आरामदायक जो है सीट है। इसके अंदर ये सीट बेल्ट भी दी हुई है, तो आप जो को ड्राइवर है वो आराम से अपनी 3-point सीट बेल्ट पहन के जो है इस चेयर पे आराम से बैठ सकता है। इसके अलावा इस चेयर में एक खासियत और है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 बटन दिए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट बटन है, अगर ये मैं दबाता हूँ, इसके जो है अंदर ही एक जो है कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग फैन है इसके अंदर, वो इसका ऑन हो जाता है। सेंटर बटन जो है, ये रेड बटन जो है ये हीटिंग के लिए, तो हीटिंग ऑन होते ही कूलिंग ऑफ हो जाती है। और सेंटर बटन जो है आपको एक इस तरह पीछे इस जगह पे जो है पुश करके एक मसाज की जो है सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इसमें एक मसाज भी, मसाजर भी है, एयर भी है, और तो इसमें एक मसाजर भी है, एयर का सिस्टम भी है, कूलिंग सिस्टम भी है, और साथ में इसके अंदर जो है एक हीटिंग सिस्टम भी है। अगर आप कोल्ड वेदर में जो है ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ आपको ये फ़ायदा देता है। तो ये एक सीट है जो हमने इंपोर्ट करके इस गाड़ी में लगवाई है, जिससे कि जो को ड्राइवर यानी कि पारुल यहाँ पे बैठती है, तो पारुल के लिए जो है काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो ठीक जो है ये को ड्राइवर सीट के ऊपर यहाँ पे ये सारे मीटर्स हैं और मेन स्विच है। तो ये आपको जैसे दिखा रहे हैं फ्रेश वाटर, सॉरी ग्रे वाटर अभी इतना है, भर चुका है हमारा टैंक, और ये ब्लैक वाटर का है, ये फ्रेश वाटर का है, और ये हमारा बैटरी स्टेटस जो है वो इस टाइम दिखा रहा है कि कितना है। तो ये सारे मॉनिटरिंग स्विचेस जो है हमने अंदर ही लगाए हैं, ये साथ में हमने एक स्मोक डिटेक्टर भी लगाया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बैठे बैठे जो है हमें पता चल जाता है ड्राइवर सीट से कि हमारे बाकी चीज़ों का स्टेटस क्या है। तो आइए अभी यहाँ से जो है हम पीछे की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा पूरा घर है, यानी कि पूरा जो सेटअप है आपको मैं यहाँ से चलते हुए दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे एक स्पीकर हमने लगा रखे हैं, 2 स्पीकर यहाँ आगे की तरफ है ड्राइवर और को ड्राइवर के ऊपर, और इस तरफ जो है हमने, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरफ हमने एक जो है टीवी लगाया हुआ है एडिशनल, ये मूवेबल रैक के ऊपर है, और इसी के पीछे जो है यहाँ पे हमने एक पर्दा फिट किया है, ब्लैकआउट कर्टन है, जो कि ड्राइवर कंपार्टमेंट को मेन घर के साथ पूरा ही सेक्लूडेड कर देता है। ये है यहाँ का सेटअप। इसके अलावा जो है आप ऊपर देख सकते हैं इस तरफ, यानी कि राइट साइड ऑफ द व्हीकल जो है 3 ओवरहेड कंपार्टमेंट्स हैं, और जो है लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे भी जो आपको दिखेंगे यहाँ पे 4 ओवरहेड कंपार्टमेंट्स हमने बनाए हैं। तो ये सारे जो है पुश बटन पे काम करते हैं, ऐसे पुश बटन आपने किया और ये ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। तो इनको बंद करना भी इजी है, आप जस्ट प्रेस कर दीजिए, ये बंद हो जाता है, और आपने पुश बटन से इसको लॉक कर दिया। तो ये गाड़ी जब चल रही होती है तो ये खुल नहीं सकते, क्योंकि ये लॉक हो जाते हैं, और आराम से आपको कोई परेशानी नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम राइट साइड में आपको मैंने दिखा रहा था, जो ड्राइवर के बिल्कुल पीछे है, ये हमने एक 2 सोफा डाइनेट बनाया है। तो यहाँ आराम से आप बैठ के जो है अपना लंच भोजन जो भी आप खाना पीना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, प्लस वैसे ही बैठ के बातचीत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये जो एक टेबल है, ये एक लगून टेबल है, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये एक रिमोट है मेरे हाथ में, इस रिमोट की मदद से जो है ये टेबल पूरा जो है नीचे चले जाता है, इस तरीके से आप देख रहे हैं अभी नीचे जा रहा है, और ये जाके एक जगह अपने लास्ट स्टॉप पे जो है ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया। यहाँ पे हम जो है, हमारे पास एक ये एक्स्ट्रा हमने गद्दा रखा हुआ है,
ये अगर मैं इसमें फंसा देता हूँ, मेरे गॉगल्स नीचे रह गए, ये इसमें हम यहाँ पे फंसा देते हैं इस तरीके से। तो ये एक आप देख सकते हैं छोटा सा डे बेड, या कि एक बच्चे के लिए बेड, यानी कि हमारे रुद्रा के लिए बेड है बेसिकली। तो ये इस तरीके से इसमें जो है फिट हो जाता है। ऐसे ही एक गद्दा और है जो इस पूरे एरिया को एक प्रॉपर 6.5x4 का एक और बेड बना देता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जैसा आप देख रहे थे, ये तो हमने यहाँ पे ये वाला बेड बना दिया है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बैठ के इसको सोफे को खींचता हूँ, तो ये पूरा सोफा भी बाहर निकल आता है और ये पूरा इसके साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पे भी एक गद्दा है जो मैंने अभी पीछे रखा हुआ है, इसके मदद से जो है हम ये पूरा एक इस तरीके से लंबाई में जो है पूरा एक बेड बना सकते हैं, जो कि 6.5x4 आपको आराम से जगह मिलती है। दो लोग आराम से इधर सो सकते हैं और एक साथ में बच्चा और सो सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे जो डाइनेट एरिया जिसको हम बोल रहे हैं, जहाँ मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने वाली ये जो जगह है, ये दोनों भी जो है कंप्लीट स्टोरेज है। इनके अंदर जो है पूरा स्टोरेज एरिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो हमें क्या करना है, हमने ये जो इसकी गद्दियाँ हैं ये हमने वेलक्रो के ऊपर ऐसे लगाई हुई हैं, तो ये आप हटा दीजिए तो आपको जो है पूरा कंप्लीट नीचे स्टोरेज एरिया मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे जो है कंप्लीट पूरा स्टोरेज है। इसमें हमने कार्टन्स रखे हुए हैं, उसमें हमने अपना सामान रखा हुआ है, और इस तरीके से हम बाद में ये जो है इसकी जो कुशन है ये हम वापस ऊपर रख देते हैं सिर्फ नॉर्मल तरीके से, और वेलक्रो उसके ऊपर जो है चिपक जाती है। तो ये हमने इस तरफ जो आपको मैंने सोफा दिखाया, सामने जो खींच के अभी ड्रॉर, वो भी एक स्टोरेज एरिया है, प्लस ये दोनों जो सोफा हैं ये भी दोनों जो है स्टोरेज एरिया है। तो आइए अभी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ इस गाड़ी का किचन एरिया। तो ये वो रिमोट था, मैं इसको यहाँ पे टांग देता हूँ वापस। तो ये देख सकते हैं ये हमने जो है पूरा किचन एरिया बनाया है, जिसमें कि हमने एक ग्लेन का 2 hob बर्नर लगाया है यहाँ पे, और इसके अलावा जो है ड्रॉर्स में भी हमने ये पुश बटन वाले सिस्टम रखे हैं, ताकि ये ड्रॉर खुले और जब बंद हो तो ये पुश से लॉक हो जाता है और ये ड्रॉर्स नहीं खुलते। इस तरीके से यहाँ 3 drawer हैं, और ये एक जो है मैडम की पेंट्री है यहाँ पे छोटी सी, जिसमें वो अपना सामान रखती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ का वर्किंग एरिया है। ये हमारा सिंक का कवर है, ये हम कवर हटा देते हैं तो अंदर एक प्रॉपर 24x18 का सिंक लगाया है। ये सिंक का जो पानी का है, ये मोटर ऑन करते ही यहाँ से जो है पानी इसमें आ जाता है। इसके अलावा ये ड्रिंकिंग वाटर का टैप है, और ये साथ में एक सोप डिस्पेंसर हमने यहाँ पे दिया है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि जो बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो यहाँ पे हमने कप जैसे लगा रखे हैं, जिससे कि, और ये सब्जियां रखने के लिए, आलू प्याज रखने के लिए पारुल की जगह है। और बाकी ये यहाँ के मेन स्विचेस हैं, इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये जो है यहाँ पे हमने एक एक्सटेंडेबल टेबल बनाया है इस तरीके से, एक सेकेंड इसको मैं लॉक कर दूं पहले। हाँ, ये टेबल बनाया है जो कि अगर हमें एरिया एक्सटेंड करना है अपने किचन का, तो वो एक्सटेंड हो जाता है। और अदरवाइज ये एक कैबिनेट है नीचे, जिसके अंदर हमने यहाँ पे डस्टबिन फिट किया हुआ है, यानी कि जो हमने गैस यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं हम, जो सिलेंडर से नीचे से आ रही है, जो आपको हमने सिलेंडर दिखाया था बाहर, प्लस यहीं पे एक स्विच भी लगा दिया है जो हमारी गैस का जो इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम है उसको ऑन ऑफ करने के लिए है। बाकी अंदर वो बाकी स्टोरेज स्पेस ही है, तो ये पूरी स्टोरेज है यहाँ पे। और किचन के बिल्कुल सामने, यानी कि इस तरफ जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा वार्डरोब है। इसमें हमने अपने कपड़े टांगने की जगह बनाई है और कपड़े रखने की जगह बनाई है। तो ये एक प्रॉपर वार्डरोब है हमारे लिए, जो हम अपने कपड़े रख के इसमें चल सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो है ये ड्रॉर्स हैं, जिनमें और सामान भी आ सकता है। इस तरीके से यहाँ 3 drawer लगाए गए हैं। तो ये यहाँ का वार्डरोब सिस्टम है। और इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा RV फ्रिज है, जो कि 55 लीटर DC
फ्रिज है जो 12 वोल्ट पे चलता है, तो ये आराम से बाहर ले जाया जा सकता है और इसके अंदर हम अपना सामान रखते हैं। तो पानी रखा हुआ है इस पे, काफ़ी मजबूत है, मैं बैठ भी सकता हूँ इसके ऊपर। तो ये पानी रखा हुआ है, अभी इसके अंदर बिल्कुल चिल्ड पानी हो रखा है, तो ये देखते हैं ट्राई करके ये पानी कैसा है। एकदम चिल्ड पानी है ये। इस टाइम जो है फ्रिज का टेम्परेचर जो है हमारा मेन जो कैबिनेट है, मेन फ्रिज वाली, वो 4 डिग्री पे है और जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है इसका, वो इस टाइम -14 डिग्री पे सेट हुआ हुआ है। तो ये है इस तरीके से आपको जो मैंने यहाँ का एरिया दिखा दिया है, ये हमारा जो है किचन का एरिया। हाँ, एक चीज़ मैं बहुत अच्छी आपको बतानी भूल गया, जो किचन में है वो है किचन के जो सिंक के ऊपर आप देख सकते हैं, ये है माइक्रोवेव। ये एक 20 लीटर माइक्रोवेव हमने लगाया है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो हमने घर की बैटरियों पे नहीं दिया है, क्योंकि घर की बैटरियों से वो काफ़ी पावर खींचता है। आपको पता है माइक्रोवेव जो है काफ़ी पावर खींचते हैं, तो ये हमने डायरेक्टली एसी पे रखा हुआ है कि जब भी हमें एसी कनेक्शन मिलता है या हम जनरेटर चला रहे होते हैं ठंडा पानी, तो उस टाइम जो है ये माइक्रोवेव काम करता है, अदरवाइज ये माइक्रोवेव ऑफ रहेगा। ये घर की बैटरियों से हमने डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है, देखो बैटरी हम बहुत ड्रेन करता है। इसके अलावा जो आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहता था इसी एरिया में जो है, वो है वो दो चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता था, वो है एक ये रूफ एसी जो बिल्कुल ही ड्राइवर कैबिन के ऊपर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये पूरा रूफ एसी सिस्टम है। ये TKT प्रोडक्ट है जो कि मेड इन इंडिया ही है। और दूसरा जो हमने इसमें यहाँ पे एक किचन के बिल्कुल, ये हमारा जो किचन का सिंक है इसके बिल्कुल ठीक ऊपर हमने जो है ये एग्जॉस्ट फैन लगाया है जो कि अगेन 24 वोल्ट पे चलता है। ये एग्जॉस्ट कम जो फैन है, ये दोनों चीज़ें हैं, मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये अभी मैंने इसको एग्जॉस्ट मोड पर रखा हुआ है और ये एग्जॉस्ट फैन की तरह काम कर रहा है। और इसी को अगर यहाँ पे मैं एक रिवर्स बटन है, रिवर्स बटन को दबा दूँ तो ये जो है उस पर अपना व्हाट डू कॉल इट, फैन मोड पे आ जाता है। तो ये मैं दो चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। वो तीसरी चीज़ है ये किचन का जो मैं आपको ग्लेन का अपना जो 2 हॉप बर्नर दिखा रहा था, इसके ठीक सामने की जो विंडो है ये ओपनेबल विंडो है, ये इस तरीके से ऐसे खुल जाती है, तो जो भी फ्यूम्स हैं गाड़ी की अगर मतलब खाना बनाने की, वो यहाँ से आराम से आप इस तरीके से बाहर भी भेज सकते हैं, या आप बाहर से खड़े होके किचन में परुल काम कर रही होती है तो मैं उससे कम्युनिकेट भी कर लेता हूँ। एक छोटा सा फ़ैन भी यहाँ पे हमने लगा के दिया है परुल को, ताकि अगर जो किचन में जब वो काम कर रही हो तो यहीं पर इसका स्विच भी है, तो ये फ़ैन जो है आपको बिल्कुल बढ़िया ठंडी हवा देता है और आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसको सिंपली हम पुल करते हैं और ये लॉक हो जाती है खिड़की। घर की गाड़ी की जितनी भी विंडोज हैं उसमें आप देख सकते हैं ये हमने कर्टन्स लगाए हैं जो कि बिल्कुल बाहर की तरफ से सिल्वर कलर में है ये, और बड़ी आसानी से इनको आप धीरे से ऐसे ऊपर करिए तो ये ऊपर हो जाते हैं, और अंदर नीचे करने के लिए ये सीधे आप नीचे दबा दीजिए, नीचे आ जाते हैं। तो ये है किचन, हमारा सोफ़ा, डाइनिंग एरिया, हमारा वार्डरोब, फ्रिज और आगे का कैबिन। तो किचन से जैसे ही हम अंदर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो आपको डोर नॉब्स दिख रहे हैं, ये एक तरफ टॉयलेट है और एक तरफ बाथरूम है। तो मैं इनकी पहले लाइटें ऑन कर लेता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा जो है नहाने का वॉशरूम है, तो इसमें हमने एक हैंड शावर लगाया है और साथ में नीचे मिक्सर लगा हुआ है जिसमें कि गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आते हैं। दो हमने इसमें कट्स लगवा होल्स दिए थे कि गाड़ी अगर मान लो टिल्ट होके थोड़ी उस तरफ खड़ी है तो पानी उस तरफ निकल जाएगा, गाड़ी अगर पीछे की तरफ खड़ी है तो यहाँ की तरफ निकल जाएगा, अदरवाइज जब गाड़ी चलती है अगर थोड़ा बहुत पानी होता भी है तो वो यहाँ से आराम से बाहर निकल जाता है। तो ये है लेफ्ट नहाने का वॉशरूम और ये है हमारा टॉयलेट।
तो टॉयलेट के अंदर भी ये इसकी केमिकल सीट है जो कि जनरली वैक्यूम क्रिएट करके एयरक्राफ्ट की तरह जो होती है वो काम करती है। प्लस इसके अंदर एक क्रशर लगा होता है जो आपका जो भी एक्सक्रीटा है वो उसको क्रश करके ही जो है सीधा ब्लैक टैंक में भेजता है, और ब्लैक टैंक जो है वो बायोडाइजेस्टर है। यहाँ पे भी हमने एक सेम एग्जॉस्ट कम फैन दिया है, और ये हमारा सिंक है, ये इसका ऑपरेटिंग स्विच है जो आपका टॉयलेट है। ये सामने आप देख सकते हैं एक जो है हमने एक छोटी सी कैबिनेट दी है जिसके अंदर हम अपने टूथब्रशेस और शेविंग का सामान ये सब जो है मैं रखता हूँ, अपना मेडिसिन बॉक्स कह लीजिए। और यहाँ पे मैंने अपना जो है हैंड वॉश को बड़े प्यार से इसको मैंने वेलक्रो के साथ फिक्स किया हुआ है। ये एक टॉयलेट पेपर का रोल है, और यहाँ पे एक हमने छोटी सी खिड़की दी है, अंदर एक अलमारी दी है जिसमें जनरली हम अपने टॉवल्स वगैरह रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा टॉयलेट है। इसमें नीचे भी यहाँ पे भी कैबिनेट है जिसके अंदर पारुल जो है अपना झाड़ू वाड़ू का सामान और साफ सफाई का सामान जो है वो आ जाता है, और वो हम यहाँ पे रख देते हैं। आइए यहाँ से अभी हम दोनों बाथरूम के एरिया से आगे बढ़ते हैं। आपको सामने एक हमने कर्टन लगाया है, ये भी एक ब्लैकआउट कर्टन है, और ये हम पहुंच गए हैं जी बेडरूम एरिया में। अंधेरा है, लाइट्स ऑन, और गर्मी भी है, सो व्हाई नॉट स्विच ऑन द एसी आल्सो। तो ये एक बहुत ही प्यारा डबल बेड हमने इसमें बनाया है जो कि अराउंड 6.5 बाय 5.5 है, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी जगह मिल जाती है, और इसलिए ये बेड हम तीनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने ओवरहेड कैबिनेट्स बनाए हैं जो कपड़े रखने के काम आते हैं, हम अपने और कपड़े यहाँ रख सकते हैं। स्टोरेज की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। ये बिल्कुल बेड के सामने जो है हमारा टीवी है, 32 इंच स्मार्ट टीवी है। उसके नीचे एक हमने यहाँ पे जगह मिल रही थी हमें काफ़ी, तो वहाँ हमने कैबिनेट बनाई है जिसमें दो ड्रॉर इस तरफ है और दो ड्रॉर जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ खुल जाते हैं। और इस तरफ जो है एक हमने फैन लगाया है, ये हमारा कोट हैंगर है, उसमें मेरे कपड़े भी टंगे हुए हैं। और यहाँ पे भी एक हमने अच्छी विंडो दी है अच्छी लाइट आने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से बैठ के। और ये गाड़ी का जो है इमरजेंसी डोर है, ये वाला जो हमने बेडरूम में बनाया है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इमरजेंसी डोर जब खुलता है बाहर की तरफ तो बाहर कितना बढ़िया नज़ारा मिलता है। यहाँ से ये जो मिरर है आप देख रहे हैं मिरर, इसके नीचे भी हमने एक छोटा सा एक्सटेंडेबल टेबल दिया है जो कि बेड साइड टेबल का भी काम कर जाता है। प्लस यहाँ कुछ अगर रखना हो पारुल ने तो वो भी अपना मेकअप वगैरह का सामान रख सकती है और यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे कि ये ओवरहेड कैबिनेट है, इसके नीचे भी जो है हमने लाइट्स का सिस्टम लगाया हुआ है, दे एक्ट एज रीडिंग लाइट्स। तो दोनों यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, दोनों जगह एक एक रीडिंग लाइट जो हमें मिल जाती है। आइए अब चलते हैं हम इस दरवाजे के पीछे। इस दरवाजे के पीछे जो है असली कमाल है, जो मैंने आपको कभी भी किसी वैन बिल्ड उसमें मैं आपको दिखाता नहीं आया हूँ, अवॉइड करता आया हूँ। तो ये है हमारा गराज, यानी कि गैरेज एरिया, स्टोरेज एरिया, जो भी आप बोल सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जो नीचे देख रहे हैं, ये मैंने एक बाइक लिफ्ट सिस्टम लगाया है। ये गैराज का दरवाजा है जो गाड़ी के लेफ्ट साइड खुलता है, बाहर से खोल के भी आपको दिखाऊंगा। और ये एक विंच के ऊपर काम करता है, इसके अंदर हम आराम से एक टू व्हीलर यानी कि एक्टिवा वगैरह जो है वो यहाँ पे पार्क करके अपने साथ ले जा सकते हैं। सिमिलरली ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है। ये स्टेप्स हैं जो गाड़ी के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ओपनिंग हैच है ऊपर जिससे कि आप गाड़ी की छत पे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा फ्यूल अगर हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ, स्पेशली फॉर दी जनरेटर जो आपको दिखाया था उसके लिए ये फ्यूल है, और एक्स्ट्रा डीजल अगर मेरे को कैरी करना है कभी तो वो मैं अपने साथ कैरी कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैंने इसमें यहाँ दो बंजी कॉर्ड लगाई हैं ऊपर, एक आपको दिख रही है और एक यहाँ पे ऐसे सीधी बाजी हुई है, ये भी जाके वहाँ हुक पे लग जाती है यहाँ पे, तो ये बंजी कॉर्ड काम आ जाती है, कभी कपड़े धोके सुखाने हो तो वो भी आप आराम से सुखा सकते हैं। तो ये है गैराज का एक्सेस फ्रॉम दी बेडरूम, तो इसको हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है बेडरूम, और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बेड है इसके नीचे भी
जो है पूरा स्टोरेज सिस्टम है, ये पूरा बेड जो है लिफ्ट हो जाता है। अगर चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली मैं जो है ये मैट्रेस को उठाता हूँ और ऐसे करके डबल फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो है नीचे इसके दो हुक्स हैं और ये पूरा बेड लिफ्ट होके आ जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर स्टोरेज स्पेस काफ़ी है और हम इसमें अपने बड़े बड़े सूट केसेस वगैरह रख के जो है हम अपना ट्रैवल कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा मैट्रेस के बारे में। ये जो मैट्रेस आप देख रहे हैं ये मेरे लिए स्पेशली जो चेन्नई में एक चेन्नई मैट्रेस करके एक कंपनी है, मिस्टर सनी उसके ओनर एंड प्रोपराइटर हैं, उन्होंने ये मैट्रेस मेरे लिए स्पेशली बनाया है। एंड दिस इज एक्चुअली सो दिस मैट्रेस, ये जो मैट्रेस है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लैटो स्लीप और ये लैटेक्स का मैट्रेस है। और इसकी खासियत है कि इसके अंदर ना छेद 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 होते हैं एक सीरीज में, जो कि आपके स्लीपिंग पोस्चर के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवल और ड्राइविंग वन वॉन्ट्स टू हैव अ गुड स्लीप, आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। तो सच्ची नींद के लिए ये थैंक यू सनी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छी मैट्रेस बनाई है। काफ़ी दिन मैं सो चुका हूँ इसके ऊपर और बहुत आरामदायक है और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सनी के लिए, सनी की ये मैट्रेस चेन्नई मैट्रेस पे ये अवेलेबल है, ये लैटेक्स की मैट्रेस है और ये पूरी उन्होंने वन पीस मेरे लिए बेड के साइज की बिल्कुल बना के दी है। थैंक यू सनी, थैंक यू वंस अगेन। तो आई होप आपको ये हमारी गाड़ी का जो टूर है, वैन टूर जो है, ये पसंद आया होगा और आपको हमारी गाड़ी भी पसंद आई होगी। काफ़ी स्टोरेज स्पेस हमने बनाई है इसमें और इसी में हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इसी में हम घूम रहे हैं, इसी में रह रहे हैं, इसी में सब कुछ हमारा चल रहा है। आने वाले समय में हम इस पर और भी जो है अपने ट्रैवल्स करेंगे, तो उसकी जो भी झलकियाँ होंगी, जो भी हमारा रहना खाना पीना सोना होगा इस गाड़ी में, वो हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे अपने व्लॉग्स के माध्यम से, व्लॉग्स के द्वारा। तो आप प्लीज़ देखिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हमें आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हम अपना जो ये प्यार है ये हमारे ऊपर बना के रखिए। हमारे आने वाले व्लॉग्स देखिए और इन्जॉय करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।